गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी शैल स्टार्ट अनदर चैप्टर यूनिट 23, दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपोजिशन? इट शोज द रिलेशंस बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ओके, प्रीपोजिशन जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने का कार्य करता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ओके, सच एज द प्रीपोजिशंस आर टू, बाय, फ्रॉम, बिटवीन, ओवर, एक्सेट्रा। ओके, ये तुम्हारा क्या है प्रीपोजिशन? गो, सॉरी, विद, ऑफ। ओके, सो दीज आर द प्रीपोजिशन सच एज हाउ वी गो, goes to school every day, Sita goes to school every day, Sita कहाँ खो जाती है? Sita goes to school every day। तो ये जो है to is the preposition जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, रोहन वेंट टू प्ले विथ राजू। सी हियर, रोहन went to play with Raju। रोहन किसके साथ खेलने के लिए गया है? राजू के साथ। तो रोहन को राजू के साथ जोड़ने के लिए जो है वो दोबारा क्या है? To। रोहन went to play with Raju। So these are the preposition। Okay students, see here। They come to house at 8 PM, at 8 PM। ओके, द लेटर कम ऑन मंडे। ओके, लेटर कम आता है, कब आता है? द लेटर केम ऑन मंडे। केम मतलब कम का पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज केम, कम, केम, कम। ओके, सो इन दिस वे वी अंडरस्टैंड द प्रीपोजिशन विच मेक्स द रिलेशन of noun, pronoun and other sentence of the other words of the sentence। Okay students, you have to do here the exercises। I will be sending out the PDF and you have to complete it in your book and mentioned one in your notebook। Okay, so prepositions are the joining words of the sentence। ओके,